अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। न्यू चैनल न्यू दुनिया, ये एक किस्म की ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी। इस चैनल पे मैं आज पहली दफा ये जो है ना आप लोगों से बात कर रही हूँ, पहली दफा ही ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं वो एक दो पुराने वीडियो जो थी वो मैंने अपलोड की थी। अच्छा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि इस चीज से रिलेटेड है जो आप लोगों के साथ आज करने वाली हूँ मैं। तो वन बाय वन जो है ना उनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो जी मैं अपने चैनल की बात, पहले सबसे पहले जो बात आती है कि मैंने नया चैनल क्यों बनाया। देखिए जी, मेरे पहले जो है ना मेरे दो चैनल थे। अच्छा, दोनों जो चैनल थे वो दोनों पे ही मैं काम कर रही थी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आलिया अली वाले चैनल से। आलिया अली वाला जो चैनल था वो मैंने शादी से पहले बनाया था, ठीक है। शादी से पहले उसके ऊपर मैं काम कर रही थी और बहुत अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी आ रहा था, व्यूज भी अच्छे थे, अर्निंग भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। और एकदम फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद फिर मैं, मेरा जो बेटा है वो होने वाला हो गया था, मैं प्रेग्नेंट हो गई। देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि काम जो है ना वो मेरा स्टॉप कर दिया मैंने थोड़ा सा शादी के बाद, ठीक है। काफी टाइम तक जो है ना उस पर मैंने वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं की। उससे क्या हुआ कि जैसे ही दोबारा से जब मैंने चैनल जो है ना वो आई थिंक सो डेड हो गया, और उसके बाद क्या कहते हैं जी, मैंने जैसे ही वीडियोस दोबारा से अपलोड करना शुरू की उसके ऊपर ना व्यूज आते थे, उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की, उसके ऊपर मैंने बस आप सोच भी नहीं सकते, उस वक्त मेरा हंजला बहुत छोटा था। फिर भी जब मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, फिर भी मैं ढीठ हो बन के उसके ऊपर लगी रही कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कभी कुछ तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बट उसके ऊपर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे हस्बैंड ने कहा इस चैनल को छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। मैंने कहा नहीं यार, इसके ऊपर इतनी मेहनत की हुई है, चल जाएगा कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं बट नहीं बनेगा। अच्छा, उसी दौरान ना मैंने एक चैनल बनाया हुआ था लाइफस्टाइल विद किड्स के नाम से। अच्छा, वो चैनल उसको मैंने ना अर्निंग के उसके ऊपर पर्पस से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं बनाया था। उस पर मैं क्या करती थी, अपने बच्चों की वीडियोस अपलोड कर देती थी या फिर मैं कुछ खाने से रिलेटेड कभी कभार जो था ना उसके ऊपर अपलोड कर देती थी। अच्छा, मैंने मिस्टेक यहाँ पे एक और की कि मैंने उसी चैनल को, मैंने सोचा यार चले ये नहीं चल रहा ना तो इसको चलाना शुरू कर देती हूँ। तो दोनों चैनल से कुछ मुझे खास जो है ना उसके ऊपर से एक मेहनत का जो एक सिला होता है ना वो मुझे नहीं मिला। मेरा आगे ब्लॉगिंग करने का, कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे हस्बैंड भी कहते थे, सब कह रहे होते थे यार इतनी मेहनत कर रही है छोड़ दे, बट मुझे होता है कि नहीं, एक काम क्यों नहीं हो रहा, उसको आप बार बार करें, अपनी मेहनत अपनी दोबारा से करें। कोई बात अगर एक चीज में आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो आप दोबारा से स्टार्ट कर लें। तो मैंने दोबारा से भी किया, वो चीज नहीं मिली। तो खैर, अब ये बहुत से कभी लंबी चौड़ी स्टोरी है, इसको बाद में बताएंगे। खैर जी, फिर बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद, बहुत ज्यादा मुजाकरात के बाद एक जो आखिरी जो फैसला वो लिया है कि जी एक जो न्यू चैनल है ना वो बनाया जाए। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि आप जो चैनल है ना जब डेड हो जाता है ना फिर उसके आप ऊपर आप कुछ भी कर लें उसके ऊपर व्यूज नहीं आते। इस सिलसिले में यार मैंने बहुत से लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, बट पता क्या होता है, जब आप ग्रो कर रहे होते हो ना, आप किसी बड़े यूट्यूबर को कहते हैं जी आप उनसे बात करें, तो कोई भी, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। हर बंदा वरना कहता है यार हम भी यहाँ तक पहुंचे, ये भी पहुंचे, खुद मेहनत करो, खुद कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी मैं किसी से शॉर्ट आउट लूं या मैं किसी को कोई भी बात करूं। लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर किया था, मैंने बहुत से लोगों से कॉन्टेक्ट किया था कि रीजन क्या है यार, लेकिन उस रीजन जानने के लिए भी किसी का जो है ना वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो इतने सब्सक्राइबर्स होते हैं, इतने उनके जो मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं, शायद कहीं नजर ना आया हो, इस चीज को इग्नोर करते हम किसी को ब्लेम किए बिना। देन जी एक लास्ट चांस लिया, मेरे हस्बैंड का कहना था इतनी हम मेहनत करती हैं बच्चों के साथ, ये वो एक नया चैनल बना ले, चैनल जो डेड हो चुका है ना इसके ऊपर जो है ना, इसलिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे इसके ऊपर भी नहीं था कि अगर मैं दोबारा से बनाऊंगी, अगर पीछे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा तो दोबारा से मुझे कैसे रिस्पॉन्स अच्छा आ सकता है। खैर, किसी बहुत ज्यादा कहने पे फिर भी मैंने जो एक कड़वा घूंट है ना वो मैंने पी लिया। मैंने सोचा चले, और फिर मैंने सोचा चले यार सब, अगर मेरे हस्बैंड बार बार वो ज्यादातर वो कह रहे थे कि इसको छोड़ दें प्लीज, आप मेहनत करती हैं, लिटरली वो कह रहे थे, मुझे तरस आता है कि इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रही हैं लेकिन
इसके ऊपर खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो दोबारा से जो है ना वो चैनल जो है ना नया जो है ना वो क्रिएट कर किया है, करके भी मेरे हस्बैंड ने दिया है, जो कि नाम है आली आली व्लॉग के नाम से, यही वाला चैनल जो जिस नाम से ये बनाया। अभी बस बस ये थोड़ी सी बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर की, मैंने सोचा बता दूं कि क्यों चैनल मैंने यू न्यू बनाया। और दो जो दूसरे पुराने चैनल थे इसलिए मैंने उनके ऊपर मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं करूंगी, इसलिए मैंने वहां पे जो है ना स्टॉप कर दिया है। इंशाल्लाह ताला अब यहाँ पे आपको जो है ना वीडियोस देखने को मिलेंगे। और इस वक्त कोई इतनी बुरी हालत हो रही है ना, मैं फैन ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं, मैंने सोचा चले आप लोगों से बात कर लूँ। दो दिन से मैं सोच रही थी बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर मेरी आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, इसको फ्रेंड एंड फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरी देखा करें। पूरी देखने के बाद अगर वीडियो देख लेते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कुछ भी लगे आप प्लीज कमेंट में जरूर बताया करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये ग्रो करेगा, अगर फिर भी इसके ऊपर से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो देन मैं फिर बाद की बात, बाद में सोचेंगे क्या करना है, क्या प्लानिंग है। फिलहाल बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। और लास्ट पे जाते जाते उन लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार। यकीन करें कभी किसी दिन सेपरेट आके ना उन लोगों का नाम लेके मैं बताऊंगी कि कुछ जो गिने चुने जो लोग हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत 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 साथ दिया है अब तक। वो चाहे दो चार लोग हैं, कमेंट करते थे, मैसेज करती थी, जो अप्रिशिएट करती थी, उनके लिए एक बड़ा सारा हक और दिल से बहुत बहुत बंडल ऑफ थैंक्स आप लोगों के प्यार का। बस इसी तरह आप लोगों ने फ्रेंड एंड फैमिली में वीडियोस को शेयर करना है और इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों के साथ जो है ना व्लॉग्स और बाकी चीज़ें जो है ना मैं शेयर करती रहूंगी इसी चैनल पे, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ सी चीज़ें व्लॉग से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या कुछ भी, अपनी भी कोई भी चिट चैट हो सकती है, कुछ भी आप लोग भी आइडिया दीजिएगा किस टाइप की वीडियोस जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बस ये आज आप लोगों के साथ इतनी सी बात करने के लिए आई थी, व्लॉग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दो में याद रखिएगा ढेर 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 सारा आप लोगों के लिए प्यार। और अभी बस वीडियो एंड करती हूँ, पसीने से मेरा जो है ना वो हो चुका है बुरा हाल। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।